एक बार एक राजा भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वर्षा होने लगी। उसने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने गृह स्वामी से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, जो कुछ हो मुझे तुरंत खाने को दो। गृह स्वामी स्वयं अपनी पत्नी व बच्चों सहित 3 दिन से भूखा था। घर में अन्न का एक दाना तक न था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भूखे अतिथि को कहां से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर से बाहर निकला और घर के सामने एक दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुरा लाया। उस गृह स्वामी ने अपनी पत्नी से उन चावल को पकाकर उन्हें अतिथि को खिलाने के लिए कहा। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराए हैं। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलवाया और चावलों की चोरी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती रात की पूरी घटना सुना दी। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिन से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और ना ही कभी करता। चाहे प्राण निकल जाते, परंतु आधी रात में घर पर आए अतिथि को भूखा नहीं देख सकता था। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि अतिथि वह स्वयं था। फिर उसने उस दुकानदार को बुलवाया और पूछा कि क्या उसने अपनी दुकान से पड़ोसी को रात में चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार के हाँ कहने पर राजा ने कहा, इस घटना के लिए प्रथम दोषी मैं स्वयं हूँ, दूसरा दोषी दुकानदार है जिसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देख लिया। परंतु 3 दिन तक पड़ोसी को परिवार सहित भूखा रहते नहीं देखा। इसने अपने पड़ोस धर्म नहीं निभाया। राजा ने उस दुकानदार को जाने के लिए कहा और उस गृह स्वामी अतिथि निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर 1,000 सोने की असरपिया उसे इनाम में दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अतिथि परमो धर्म, अतिथि देवो भव, मतलब कि अतिथि का सत्कार हमारा परम धर्म है, अतिथि देवता के समान होता है।